अल्लाह से दुआ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये भी एहतजाज है, ये फजूल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस असद वर्ल्ड। तो नाज़रीन, आज हम आ चुके हैं इंटर बोर्ड पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के तलबा है उनके साथ काफी ज्यादा हुई है। किसी के जो है ना दो पेपरों में सप्ली आ गई, किसी भाई के तीन पेपरों में सप्ली आ गई है। तो इस वक्त हम मौजूद है इंटर बोर्ड के बाहर। तो आप हमारे जो है ना नाज़रीन को दिखा दीजिए कि इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, तलबा अपने हक के लिए रोडों पर आए हुए हैं। सलाम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सर, नाम क्या है आपका? रैयान। रैयान, तो रैयान आपके क्या मार्क्स कम आए पेपर फेल? सर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास मेरे सारे जर्नल्स रखे हुए हैं कि मैंने कितना पढ़ा है और मेरे पास मेरी कॉपी नंबर भी लिखा हुआ है। बस अगर मेरी कॉपी, अगर कोई मुझसे पूछे और मैं बोलूँ भाई मेरी कॉपी है, मेरे मार्क्स कम दिए गए, लेकिन मुझे कोई यहाँ देखते हैं आप स्पोर्ट नहीं करवा रहे, अल्लाह मालिक है, एप्लीकेशन लिख दी है, ये लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन लिखे आप लोग। तो जैसे कि आपको जो है ना हमारे निज़ाम का तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना अदल इंसाफ के बारे में जो है ना हम थोड़े से नीचे है, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है उसके जो है ना मुताबिक आपको मार्क्स वगैरह आपके जो है ना वो हो जाएगा, मिल जाएंगे आपको? सर लेकिन बस हमने एप्लीकेशन दी थी, स्कूटनी करवा दी है उसके अलावा, और इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे। बस यही हमारे हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में है, क्योंकि मेहनत कर सिला अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर देंगे। बिल्कुल। तो आपने प्री मेडिकल के स्टूडेंट? जी प्री मेडिकल का। सर मुझे, मैंने मैट्रिक में 93% ली थी। माशाल्लाह 93% का मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे इंशाल्लाह डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जिसके मुताबिक मैंने मेहनत की थी। और मेरा रिजल्ट, आपको पता है मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट्स बहुत कम है, तो कम से कम 83% आनी चाहिए और मुझे 71% दिए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ है, हम आपकी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह जितना सोशल मीडिया पे हमसे हो सकेगा, और बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अपना ख्याल। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने सप्ली का फॉर्म भी भरा है, सब कुछ भरे और ये आखिरी एंड में निकल चुके हैं, इसलिए सप्ली देना सही रहेगा और ये एहतजाज करना भी फजूल है। अच्छा, भी फजूल है। तो आपके कितने पेपर जो है सप्ली है, कितने? दो सप्ली आ गई है, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सप्ली देने के लिए तैयारी हूँ और तैयारी कर चुका हूँ, इसलिए जस्टिस करना और ये फजूल है। आपकी नजर में यहाँ पर जस्टिस करना फजूल है? ये भी फजूल है, जस्टिस करना और एहतजाज करना ये सारे भी फजूल है, क्योंकि हमने फॉर्म भर लिए और ये भी फॉर्म काम क्या करे, हमने इतने पैसे दिए और जो अभी एहतजाज करेंगे तो उसके लिए अभी पैसे और लगेगा और कुछ भी नहीं होने वाले, ये तो फजूल है। और ये पब्लिक ऐसे निकले, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत ये ऐसे है कि कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपके ख्याल से मतलब हुकूमत ये ऐसे कि कुछ नहीं हो सकता? असल में बात ये है कि तलबा के साथ तो ज्यादती हुई है, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई, फखर की बात है। हमारे पाकिस्तान के नौजवान और हमारे नौजवान बहनें जो है वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, इससे जाहिर होता है। लेकिन हमें यही ख्वाहिश है और यही इजहार है कि हमें इंसाफ दे दिया जाए। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इनका फर्स्ट ईयर हो गया, सब फेल है, हमारा भी फर्स्ट ईयर है, कल हम जाएंगे तो हमारा भी यही हाल होगा, इसलिए हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं कि उनके हक में। जी, तो असल में जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि तलबा जो फेल हुए वो कंप्यूटर की गलती की वजह से फेल हुए, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई गलती आई, इस हवाले से आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो पेपर चेक हो रहे थे वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर चेक हुए हैं। तो उसकी गलती आई है। अब मैं समझा, असल में इंसान जो है ना, इंसान से गलती होती है, आपको तो पता होगा, और कंप्यूटर इंसान ने बनाया है, तो इंसान से गलती हो सकती है, लाजमी बात है कंप्यूटर से भी होगी। तो जो इस वक्त हमारे पास तादाद बताई जा रही है 1,40,000 के करीब, तो ये जितने बच्चे फेल हुए इन सबका क्या होगा? बस हमें यही रिक्वेस्ट है वजीर आजम सिंध से, पाकिस्तान से, कि हमें इंसाफ दे दिया जाए। और तो मतलब आपको इस वक्त आपको भी अभी वो है कि आप तवक्को रहते हैं वजीर आला सिंध से कि वो आपके लिए इंसाफ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुमालिक है, इस्लाम के नाम पे बना है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका।
जी तो नाजिन अंदर जो है ना काफी हमें वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना स्नैप्स बना रहे हैं, बड़े खुश हैं, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन बहरहाल जो बच्चों का रिजल्ट आया है हमें उस पर दुख है। अल्लाह ताला जो है ना उनके जो भी मार्क्स है उन पर रहम करे। बाकी सिंध गवर्नमेंट से भी हम यही कहते हैं कि भाई थोड़ा सा जो है ना हम तलबा पर जो ज्यादा हो रही है बराए मेहरबानी, अगले साल हमारा भी इंटर होगा तो हमारे साथ भी क्या यही होगा, हम भी इंटर बोर्ड के बाहर आके जो है ना खड़े हो जाएंगे और हम यही बोलेंगे कि भाई हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। तो इसलिए जो है हम भी निकले, हमारा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है, लेकिन हम फिर भी निकले कि जो हमारे भाई फेल हुए जिनके नंबर कम आए। अच्छा मैं बताया ये जा रहा है कि कंप्यूटर की गलती की वजह से जो है ना 140,000 जितने भी तलबा फेल हुए तो कंप्यूटर की गलती है। तो भाई आप अपने जो है ना कंप्यूटराइज सिस्टम को ठीक कर लें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा तो नाज़रीन इस वक्त आप हमारे पीछे भी जो है ना लंबी लंबी कतारें देख लें, इस तरह जो है ना कतारों में जो है ना बच्चों को जो है ना वो खड़ा किया जाता है। फिर उसके बाद अगर एक बच्चा जाके फेल होता है तो दुख की बात है ना यार। वालिदैन जो है ना वो अपने बच्चों पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जो है ना इस तरह सुबह उठ के आना और जाना, तो ये यार कोई जो है ना वो आसान काम नहीं है। तो इस तरह लंबी लंबी कतारों में बच्चे खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जाके फेल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है अगर मैं भी इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़ा होऊंगा और फॉर्म फिल करूंगा एक एक चीज जो है ना वो नोट करके और उसके बाद जाके मेरा अगर पेपर फेल होता है तो ये जो है ना यार बहुत दुख की बात है। बाकी हम जो है ना सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि सर हमारे जो भी तलबा जो भी भाई हमारे फेल हुए बराए मेहरबानी उनके साथ जो है ना जस्टिस किया जाए। तो रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे आपसे। आप भी हमारे साथ है? जी जी बिल्कुल आपके साथ ही। आपका क्या पेपर फेल हुआ यानी? जी जी बिल्कुल दो पेपर फेल हुए। दो पेपर फेल हुए किस बात है, क्यों? ये पद्धति नहीं है, पेपर बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे दिए थे, फेल हो गए। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर तो यार देखिए इनके भी बेचारे के पेपर फेल हुआ। जी तो नाज़रीन हमने जो है ना अपना फर्ज अदा कर लिया है, बाकी अल्लाह ताला से हमारी यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि सिंध गवर्नमेंट भी जो है ना इन बच्चों के साथ इंसाफ करेगी और अगले साल हमारा भी फर्स्ट ईयर होगा तो आप भी हमारे लिए दुआ करते हैं। हम भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि भाई कभी जो है ना हम इन लोगों की तरह फेल ना हो जाए, हमें जो है ना वो ना कर दिया जाए। तो बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।